हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी मुझे उठना पड़ा काम के लिए, तो बस अब काम के लिए रेडी होता हूँ। पहले करता हूँ ब्रश और फिर देखते हैं, कुछ खाने का पड़ा नहीं तो चलते हैं सीधा काम पे, बाहर से खा लेंगे। ठीक है गाइस, करते हैं ब्रश। देखो सानू खाण पीन का किन्ना क्रेज है, असं इस तक पहुँच चुके हैं तो असं अज डोसा बना लगे घर। आ चक मैं कहना पूरा अपने पटियाले वाला पूरी फीलिंग लगा। पटियाला कड़ा मसाला डोसा, मद्रासी डोसा पूरी फीलिंग है। तो मैं कहना रेडी खलवाया गया इतने मेरे को। देखो फिर डोसा आ चक मेरे हिसाब नाल बन गया। यार अमूल मक्खन किथे था अपना, मेन चीज किथे है? ये अमूल तो नहीं लगता मेनू, यहाँ पे अमूल यही होता है भाई। ना ओके मिलता वैसे अमूल भी चले आती, अमूल मक्खन च पा के ना चीनी फिर खांदा हुंदा, कहिंदा वी मैनूं बहुत पसंद लगदा। क्यों फिर बन गया? सो गाइस जी हमने थोड़ा सा डोसा बना दिया। तो हमारे पे तवा छोटा है नहीं, तो मैं बड़े भी बना सकता हूं गाइस। मैं रेस्टोरेंट में बहुत कुछ बनाता था, मक्खन मार के गाइस पूरा मक्खन लगा के मार के जिन्हां ने भी कुछ सीखना होवे ते अपने घर वास्ते कोई कॉन्ट्रैक्ट देना होवे प्लीज मैनूं संपर्क करो। माई नेम इज पारस, ते मैं अपनी ईमेल आई डी तुहानूं नीचे मैनशन कर दांगा, ते मैं अगे उस्ताद जी नाल तुहाडा कॉन्ट्रैक्ट करवा दांगा। तुसीं आवियो ते इन्हां दा करो खा के वेखे। क्यों की डिमांड आई है, दो बना देना खाने के लिए और तीन पैक कर देना। चलो बूढ़े के ब्याह मार है इत्थे रखो जी, आ लो हुण इहनूं वड्डो भी ना जिवें वड्ड के देंदे ने, सॉरी कट के देंदे ने। ओके ओके सॉरी 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 ओके जी ओके। नारियल सॉस भी लै के आनी पैनी आपां नूं, वो तो मिलती है वहां से फ्रोजन। फरमैश दे अनुसार एक और फरमैश हो तुर पी भाभी जी वाल की नहीं यार तुसी। अच्छा सॉरी सॉरी मैं बीच नहीं लैके आना। फरमैश ये आई कि टमाटर सॉस भी बनाई जाए। सो गाइस ये देख सकते हैं आप हमारा डोसे में कोई कमी बता दो जी। टेस्ट करेगी भारती मटेरियल रेडी था बस। तो गाइस ये डोसा आप देख सकते कितना परफेक्ट बना है, वो थोड़ा पहला पहला था तो मतलब थोड़ा टूट जाता है, लेकिन ये देखो आप कैसे बना। कद कद मान नहीं किता सी किस चीज का, बढ़िया बना सब कुछ है। नहीं ये मटेरियल भी बढ़िया, प्रॉपर डोसे का टेस्ट आ रहा है ना, ये बना बनाया बैटर का। तो गाइज यहाँ पे देख लो डोसों की तलब इतनी बढ़ चुकी थी ना कि क्या बताऊँ आपको, इनको तलब चढ़ी अब सांभर की। तो स्पेशल इंडियन ग्रोसरी पे हम फ्रोजन सांभर लेने जा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं नारियल की चटनी भी लेनी है फ्रोजन। डोसा बीच में छोड़ दिया, देख लो गाइस, क्योंकि मैं उस इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे घूम आया था और सारा कुछ दौरा कर आया था कि कहाँ पे क्या क्या पड़ा है। तो अब हम आपको मिलेंगे ग्रोसरी स्टोर पे। ओके
नहीं अभी ऐसे प्रमोशन नहीं करनी किसी की, कोई हमें प्रमोशन के पैसे देगा तो करेंगे ना। पहले हम पंजाबी बाजार में जाते थे ना, वहाँ हमने बताया कि हम इंडियन ग्रोसरी वहाँ से लेके आते हैं, अब हमको नया स्टोर मिला है क्लाइड नॉर्थ में ही है। तो जो जो हमारे लोग क्लाइड नॉर्थ में देख रहा है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो गाइज हम यहाँ पे खड़े थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक्स मिल रही थी जो इंडिया में मिलती हैं, हमने यहाँ पे पहली बार देखी। देखो थम्स अप में छोटी थम्स अप वाली, पेप्सी वाली बोतल, लिमका, और गाइज कुछ भी ऐसी ऐसी ड्रिंक्स भी थी जो हमने पहली बार देखी थी। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। फिर पारस बोल रहा था ये वाली ड्रिंक्स तो मैंने अपनी मम्मी की शादी में देखी थी। हम सारे हंसने लग गए इस बात पर। तो गाइज अभी आप ये देखो, ये हमने सामान लिया था, एक ये है, ये तो मैंने अपना पर्सनल लिया है खाने पीने के लिए, और ये हमने वैसे सांभर के लिए चटनियाँ और वो लिए हैं। सो गाइज उसके बाद हमारी नज़र गई है आइसक्रीम पे, और इसके अंदर गाइज इंडिया में जो वो मिलती है ना, तिल्ले वाली कुल्फी, पिस्ता वाली कुल्फी, मटके वाली, मटका कुल्फी। और हमेशा हमारे साथ यही होता है, हम लेने कुछ और जाते हैं और लेके फालतू सामान आते हैं। और जबकि गाइज हम लेने आए थे सांभर और चटनियाँ, और देखो गाइज भारती ने मेरे लिए कितना सारा सामान उठा रखा है। और गाइज फिर उसके बाद जब हम बिलिंग करा रहे थे ना, तो अब आप देखो ये स्टोर कितना बड़ा है, और यहाँ पे पारस पता नहीं किसकी ऐड करने लग गया था। तो गाइज ये काफी अच्छा स्टोर है और काफी बड़ा है, क्लाइड नॉर्थ में है, और हमको सामने दिख गया था पेट सफा। और गाइज यहाँ पे वैरायटी देखो, जो फोक के जो स्प्रे मिलते हैं, मतलब हर चीज, नेहा मेहंदी, ठीक है गाइज, और अपना जो दांत। तो एक बार फिर असीं आ गए ग्रोसरी, ग्रोसरी नहीं अद्धा सामान लेके, ये अपनी चटनी जिहड़ी हले बनेगी इत्थे, तां इदां ही मिलदा सामान, तुसीं ऐ ना करियो कि कोकोनट कोकोनट टमाटर ते ए बाजू इनवेंशन ते इनवेंशन हो रहीयां ने, हुण पनीर वाला आ गया, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਹੜੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਡੋਸਾ? ਹਾਂ, ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬੋਲਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। चलो नैक्सट ला निशु, एक जना पहला रजे, फिर दूजे की बारी। कौन सी सोस विच पाई हुई है? ओ ओ ओ नहीं नहीं नहीं, कोई प्रमोशन नहीं है बंसल दी, नहीं बंसल साहब नहीं, इदा नहीं। के बात, बूढ़े के ब्याह में खड़ा है आकाश सर। सर आकाश की बो की बोले नु वो की बोले उठने लग जा, तो तेरे मुंह के मेले हो गया था, मैं घर भी खो गया, तेरी मम्मी ही चक्के लेके आई है। ए मेरी आवाज बंद ने आकाश, ए आ जा आ जा, फटाफट माइक पे रख जा, करो करो चलो किसपे हसन लग रहा है कि हाथ के मारा था यार, ये मजा है, दो लोग देखते हैं उसे, तेरे को चाहिए जरूरी। ओ ओ
आज के व्लॉग में जैसे आपने देखा कि हमने डोसे बनाए और सबने भी खाए, आप सफाई सफाई सबने करके रख दिया। तो कल सुबह काम पे जाना था, रात के 9:30 बज रहे हैं, तो टाइम से सोएंगे तभी तो टाइम से उठेंगे सुबह। तो गाइस फिर आपको मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड गाइस जितना हो सके सपोर्ट करें। एंड गाइस वी आर रीचिंग अवर टारगेट, हेल्प करें गाइस 1000 सब्सक्राइबर रीच करने में। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस, हाउस व्लॉग भी जल्दी आएगा, पूरे हाउस का टूर दूंगा उसके अंदर मैं, जल्दी आएगा गाइस। Thanks for watching guys.